जब मैं बात करती हूँ मनीब कादिर साहब से आप ये बताइए कि जब चाइल्ड की कस्टडी मदर को मिल जाती है जी। लेकिन आ नुस्खा की बात होती है ना और एक्सपेंस की बात होती है उसके हवाले से बताइए कि क्या उन राइट्स के बारे में वेडनेस है औरतों को और वो क्या किस तरह से अप्लाई कर सकती है किस तरह तो अपलिकेबल है ये सोसाइटी में देखिए जो गार्डियंस इन वार्ड्स एक्ट आ, हमारे पास आया था वो एटीन का है तो उसमें तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड वो गवर्निंग फैक्टर है कि बच्चे की बेहतरी क्या है और प्रिजम्पन ये है कि बच्चे की बेहतरी इस चीज़ में है कि जब वो इन्फेंट होता है और एजेस वेरी करती हैं लड़की और लड़के के बीच में तो उसकी जो कस्टडी है वो माँ के पास होनी चाहिए प्रेफरेंशली लेकिन जो पैरामाउंट राइट right है टू गार्डियनशिप वो फादर के पास है ये तो कानून हो गया अलबत जब इस तरह केसेस चाइल्ड कस्टडी के, के, के जो पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई या सेपरेशन हो गई या जब अदालतों के सामने आते हैं तो वही गवर्निंग पैरामाउंट फैक्टर जोन सा मैंने भी बोला है आ, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड तो हम उसको देखते हैं लेकिन अलबत् अब उसमें सवाल ये पैदा होता है कि वो जो जजेस बैठे हुए अदालतों के अंदर क्या वो रिप्रजेंटेटिव हैं क्या वो खातिन की नुमाइंदगी कर रहे हैं क्या उनको खुवान के जो लिफ्ट एक्सपीरियंसिस हैं उसकी आगाही है और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम लोग टॉप लीडरशिप पोजिशन में खुवातिन को देखें जो लीगल प्रोफेशन है दैट शुड नाव भी ओपनड विमेन और काफ़ी सारी खातन अब यू नो लॉ ग्रेजुएट्स बन रही हैं लेकिन क्या उनको उतनी uh, वो आर दे गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़

मर्दों को भी मैं करना मैं चार्थ चार्थ जी बिल्कुल ये, ये इतना दिए अच्छा सवाल है uh, और वो बुक सी उसमें चार हिस्से हैं और एक उसका जो पार्ट है वो वुमेन राइट्स के साथ मर्द हमारे माशे को जनरली और मुझे नहीं ये लगता कि मैं अच्छा लगूंगा खुतिन को बताते हुए दिस इज वॉट यू शुड थिंक दिस इज वॉट यू शुड आस्क मैं आपको बताता हूँ अपनी प्रविलिज पोजीशन से कि आपको क्या मांगना चाहिए ये मेरी जगह नहीं है बताने की सो so मैं सबसे पहले ही जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ इस बात से कि आई एम नॉट सिटिंग हेयर टू यूज अब योर प्लेस और मैं आपके बिहाफ पे नहीं बोलूंगा वो आप ख़ुद बोलेंगी क्योंकि मैंने इधर लिफ्ट एक्सपीरियंसिस की बात की है अलबत्त ये जरूरी जरूर है कि मैं इधर बैठूँ और मैं बताऊँ जो मर्द हजरात हैं खास तौर पर उनको कि जब रिकार्ड्स उठाए जाते हैं औरत मार्च के ऊपर और आप बहुत ओफेंड हो जाते हैं देख के कि अपनी रोटी ख़ुद गर्म कर लो ठीक है हुँ. अपना रोटी खुद बना लो या इवन मेरा जिसमी मर्जी तो उसके ऊपर दो ऑप्शन हैं एक तो ओफेंड होकर हो रूट के बैठ जाओ और फिर आप टी के ऊपर जाओ और एक पैनिक क्रिएट कर दो हुँ. दूसरा है इंट्रोस्पेक्शन कि ये क्या बात है कि एफ़ नाइन के पार्क में एक खातून जाती है और हमें खबरें आती हैं और एक दफा नहीं अगले हफ्ते भी यही खबर आती है कि उसके साथ जिनसी जाती हुई या मोटरवे के ऊपर इंसिडेंट होता है तो उस वक्त का सीसीपीओ पी ओ कहता है वो औरत कर क्या रही थी अपने बच्चों को लेकर मोटरवे पर रात को यानी कि जिनको हमने सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो खुद भी सिक्योरिटी फ्राहम करने की बात नहीं कर रहे, रहे, रहे हैं, हैं। या आपके पास रहे चुके जो कि कहते हैं कि जी अगर बहुत लबास तो फिर तो ऐसा होगा वैसा होगा अच्छा ये देखे ना जैसे ये बात की कि वो खुद से ब्लेम करते हैं और एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है तो इतने बुनियादी है उस पर हमारा कानून क्यों तमाशा है कानून क्यों खामोश है बिल्कुल मुझे बड़ा अफसोस है की कैपिटल टेरिटरी डोमेस्टिक वायलेंस बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 2021 में और जिस हुकूमत ने वो बिल इंट्रोड्यूस किया था उसी हुकूमत ने फिर बाद में कहा कि वी विल मेक शोर के कभी कानून ना बन सके एक इतना मॉरल पैनिक और एक ह्यूमन क्राइम मचा दी गई थी आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी कि ये कानून अगर आ जाएगा तो फैमिली सिस्टम टूट जाएगा जिधर बीवी को तशद का निशाना बनाया जाता है क्या वो फैमिली सिस्टम फिर पहले से नहीं टूटा हुआ अगर एक खातून ये कह रही है और ये हक तो उसको आप देखें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं तो ये तो अकॉर्डिंग टू यू नो रिलीजस मॉरल ऑल आवर कोर्ट्स बीवी के ऊपर जुल्म करना तो बल्कि एक ग्राउंड है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंडर जिसके ऊपर वाइफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अदालतों में जाकर सीख कर सकती है हुँ. तो किसने ये कह दिया कि आदमी को पूरा हक है कि औरत को चपेड़े लगाए उसको मारे उसके साथ तशदद करे और उफ तक ना करे और कहा जाता है कि हमारी दादी और नानियाँ ये सह लेती थी, थी तो पता नहीं आज की खातिन को क्या हो गया तो उनको मैं कहना चाहता हूँ आपने शायद एक दफ़ा नहीं सोचा शायद आपकी नानियाँ आपकी दादियाँ देर नॉट अवेयर एंड इन देस नॉट लीडिंग हेल्दी तो अब ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं ये देख देख रहा हूँ कि पंजाब के अंदर अगर हम बैठे हुए मैं यहाँ की बात करूँ मेरे पास एक पंजाब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है और वो ये कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ

अब कंदील बलोच का केस हुआ 2016 में और हमारे कानून के अंदर तरमीम आई कि अब से ये स्टेट का जिम्मा होगा एग्जैक्टली माफी, exactly, माफी नहीं मिल सकती अब खानदान की तरफ से और हुआ क्या दो हजार बाईस में हमारे रिहा कर दिया कि तुम बिल्कुल मासूम हो क्योंकि तुमने कत्ल किया अपनी बहन का लेकिन ऑनर की वजह से नहीं किया तो इसका मतलब आज के दिन हमारे मुल्क में हर अप, खातून अपने पोटेंशियल मर्डरर के साथ एक ही छत के नीचे रह रही है ये एक लम्हा फिक्री है बिल्कुल ऐसे ही इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कॉर्पोरेट सेक्टर की तो हमारे पास सुहेल शोब साहब भी मौजूद हैं आपसे मैं जानना चाहूंगी बिकॉज यू Know the corporate sector, मतलब you know, और उसमें ट की भी एक लंबी फहरिस्त है जो पर मौजूद होती हैं में है, के क्या देखिए अभी तो रिसेंटली बनाया गया ना हुँ. उसके अंदर तो बड़ा वाज तौर पर हर इदारे के लिए ये लाजमी करार दिया गया है कि वो एक पैनल बनाए हुँ. और वहाँ पर जो भी हेरासमेंट के हवाले से कोई कंप्लेंट्स हैं उनको सुने हुँ. और अगर वो नहीं करते तो फेडरल बनाए गए पहले इसे बर्ट्समैन कहा जाता था अब इसे पर्सन कहा जाता है और वहाँ पर भी जो है ना वो अपनी अग्रीवियंस पटिशन जो है ना वो फाइल की जा सकती है और इसके ऊपर अलहमद बहुत अच्छा वर्क लेकिन ये बताइए कॉपोरेट सेक्टर्स में औरतों को क्या अवेयरनेस है या अगर आप कुछ फैक्टर्स बताएं कि वो ये एक जैसे कह कहते रेड पॉइंट्स होते हैं जिस पर उसको अगर लगे कि कोई चीज़ अनकम्फर्टेबल कर रही है तो वो उसको कर सकती है आगे Action अच्छा इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि बहुत से कॉर्पोरेट सेक्टर्स को भी अवेयरनेस नहीं है लीवा पार्ट के खातन को बताए, है या है, explain नहीं explain है क्योंकि अभी तक किसी भी टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर ने कोई इस तरह के अपने डिपार्टमेंट्स जो है ना वो नहीं बनाए जिसके अंदर जो है ना वो अगर इस तरह का हरेसमेंट अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ है जस्टिस मिस जस्टिस आयशा मलिक की एक जजमेंट है हरासमेंट के अंदर सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं exactly, आता exactly. इसके अंदर दूसरे हेरासमेंट भी जो है ना वो शामिल हैं yes. बट क्योंकि अभी आपने जो पहला क्वेश्चन किया था ना वो जो फैमिली लॉ के हवाले से मैं उसके ऊपर ना एक रीसेंट जजमेंट है मिस्टर जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ की बहुत जबरदस्त जजमेंट है मैं चाहूँगा कि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट भी जो है ना बताएं क्योंकि इट्स इट्स अवेयरनेस प्रोग्राम तो सबको पता होना चाहिए कि जो जहाँ तक बात है ना